Very good morning, my dear students, and welcome to e-learning classes of economics. In previous lecture, we covered the topic individual series of arithmetic mean. Now, you all are clear with the numericals of individual series. Now, in this lecture, that is lecture number 41, we are going to start discrete series and frequency distribution series of arithmetic mean. इसमें हम ये दोनों सीरीज कवर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमैटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी है डिस्क्रीट सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज करस्पोंडिंग टू डिफरेंट आइटम्स इन दीरीज एंड देर आर थ्री मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैलकुलेट करने के तीन मैथड्स होते हैं डायरेक्ट मैथड शॉर्टकट मैथड एंड स्टेप डेविएशन मैथड नाउ व्हाट इज डायरेक्ट मेथड देखिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं और जो वेरियस आइटम्स हैं सीरीज में उनको हम एक्स से डिनोट करते हैं फिर क्या करते हैं हम एफ और एक्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं तो वेजेस एक्स हो गए और नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी हो गए तो हम वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा और सिग्मा एफ क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको हम प्लस कर देंगे सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ नेक्स्ट इज योर शॉर्टकट मैथड शॉर्टकट मैथड का फॉर्मूला सेम जैसे आपने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा था ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज में है मीन इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिगमा एफ़ इसमें हम किसी एक को एज्यूम मीन ले लेते हैं और उसके बेसिस पर हम डेविएशन लेकर कैलकुलेशन करते हैं जैसे वेजेस ले लिया एक्स है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी इसमें से उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई सेम वही क्वेश्चन है हमने कोई भी एक वैल्यू को एज्यू मीन ले लिया और फिर हम उस एज्यूम मीन से इसका डेवियेशन देखेंगे इसमें मिड टर्म थर्टी है तो हमने थर्टी को एज्यूम मीन ले लिया नाउ विद दी हेल्प ऑफ दैट थर्टी विल हैव कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन और उसके बाद जब हमारे पास डी आ जाएगा तो हम एफ इंटू डी कर देंगे एफ इंटू डी करके उसका सम टोटल कर लेंगे आप तो सिग्मा एफ डी मिल जाएगा तो सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ तो सेम हो गया इस वाले फॉर्मूले की तरह उसमें एफ एक्स था इसमें एफ डी है और इसमें एफ डी है इसलिए एस मीन है साथ में सो so, इसका फॉर्मूला होगा मीन इक्वल्स टू एस मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि शॉर्टकट मेथड का डिस्क, वो डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविशन मेथड और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिजन मेथड बिल्कुल सेम होते हैं नाउ स्टेप डेविएशन मेथड इसका फॉर्मूला क्या होता है सेम सिग्मा मीन इक्वल्स टू एजयू मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी एफ डी डैश का क्या मतलब है कि स्टेप डेविएशन में आप स्टेप बाई स्टेप कैलकुलेशन करते हैं आप डेविएशन को स्टेप बाई स्टेप देखते हैं राइट right? तो उसका फॉर्मूला हो गया एजयूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी सेम क्वेश्चन को आपने इसमें कॉपी किया है इसमें आप डी निकालेंगे डी तक देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपने x लिया x के बाद आप f लेंगे f के बाद आप d निकालेंगे d कैसे निकलता है x माइनस ए और जब d निकल आएगा उसके बाद आप d डैश निकालेंगे d डैश कैसे आता है x माइनस ए अपॉन सी अब क्वेश्चनराइज होता है सर c क्या है c है बेटा क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल मीन्स जो आपका x दिया है तो जो वेजेस के बीच का डिफरेंस है दैट इज़ योर सी टेन से लेके ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी फोर्टी से फिफ्टी दैट इज योर एक्स सॉरी दैट इज़ योर सी फिर आपने उसका सी निकाल लिया और सी निकालने के बाद आप डी डैश की मल्टीप्लाई एफ से कर देंगे राइट right? तो जब इतनी आप हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला हो गया एज यू मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी और मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी वैल्यूज सिग्मा एफ एज यू मीन सिग्मा एफ डी डैश और सी फॉर्मूले में लगा देंगे देन सिंपल मल्टीप्लीकेशन इज देयर यू विल गेट योर आंसर राइट नाउ कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमैटिक मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कैलकुलेशन है देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोई सीरीज ऐसी होती है जैसे जीरो टू फाइव फाइव टू टेन देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है टेन टू फिफ्टीन मीन देयर इज द क्लास इंटरवल वेन वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज सो देयर इज अ क्लास इंटरवल जो बीच में दोनों के गैपिंग में आता है राइट right? इसको भी कैलकुलेट करने के थ्री मैथड होते हैं एंड वॉट आर थ्री मैथड नंबर वन डायरेक्ट मैथड शॉर्टकट मैथड एंड स्टेप डेविएशन मैथड राइट द शॉर्टकट मैथड एंड स्टेप डेविएशन मैथड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज शॉर्टकट मैथड एंड स्टेप डेविएशन मैथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आर एग्जैक्टली द सेम राइट बट देर इज अ डिफरेंस इन डायरेक्ट मैथड जब हम शॉर्टकट मेथड की जब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो उसका डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ और जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ वहाँ पर एफ एक्स था नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर एफ एम है एम का मतलब क्या है मिड वैल्यू फ्रिक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू लेट्स हैव अ लुक देखिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ एफ़ यहाँ पे क्या है एफ तो फ्रीक्वेंसी है और एम यहाँ पर क्या है एम है मिड वैल्यू मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के बताया था कि एम कैसे आता है एल वन प्लस एल टू अपॉन टू मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू तो आपके जो फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल है जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी थर्टी फोर्टी उससे आप मिड वैल्यू निकाल लीजिए और एक बार जब आपको मिड वैल्यू मिल जाती है देन माई डियर स्टूडेंट योर क्वेश्चन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दी क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज क्योंकि फ्रीक्वेंसी सीरीज़ सीरीज़ में में और डिस्क्रीट सिर्फ एक यही फर्क है कि इसमें क्लास इंटरवल होता है उसमें क्लास इंटरवल नहीं होता है और जब आपने इसकी वैल्यू को क्लास इंटरवल से कन्वर्ट कर लिया उसमें फिर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम हो जाता है सो so, आपने एम की वैल्यू निकाल ली फिर सिग्मा एफ निकाल लिया और सिग्मा एफ एम निकाल लिया और आपने सिंपली सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ करके मीन को कैलकुलेट कर लिया नाउ व्हाट इज अ शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट मेथड का फॉर्म्ला सेम सिग्मा वो सॉरी मीन इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ एक तरफ आपने एज्यूम मीन लिया इसमें पहले मिड वैल्यू निकाल लीजिए मिड वैल्यू निकालने के बाद आपकी वैल्यूज आती चली जाएंगी यू विल हैव द सिंपल कैलकुलेशन देन स्टेप डेविजन मेथड स्टेप डेविजन मेथड का फॉर्मूला भी वही है एजयू मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी दैट मीन्स जब आप फॉर्मूले का कैलकुलेशन देखेंगे तो आप इसमें पहले डैश निकाल लेंगे और डैश कैसे निकलेगा डैश की वैल्यू निकलेगी आपकी सी एजयू मीन निकाल लिए डी डैश कैसे निकलेगा एम माइनस ए अपॉन सी उसमें आपने एम उसमें आपने एफ माइनस लिया था एक्स माइनस ए इसमें एम है इसलिए हम मिड वैल्यू की हेल्प से निकालेंगे देन आप इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे मीन इक्वल्स टू एज यू मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी तो एज यू मीन प्लस एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी इसकी हेल्प से आपका स्टेप डेविएशन से भी आंसर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू आर एबल टू दू डू द्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट नंबर फोर्टी वन सीम डियर स्टूडेंट्स आई हैव जस्ट मार्क दी क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन आपको मार्क करे हैं ये तीन क्वेश्चन आपको करने हैं लर्निंग बाय डूइंग के ऑल्दो आप चारों कर सकते हैं उसके अलावा जो नीचे दो क्वेश्चन हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के हैं ठीक है आपको मैंने तीन इलस्ट्रेशन शॉर्टकट और डिस्क्रीट सीरीज़ के अभी कराए और तीन इलस्ट्रेशन मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करा है तो छे क्वेश्चन वो हो गए प्लस तीन क्वेश्चन हो गए आपके डिस्क्रीट सीरीज के बेस पर और टू क्वेश्चन हो गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के बेस पर राइट right? सो so, इन क्वेश्चन के बाद और छ क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज वाले में तो सिक्स क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज सिक्स क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज एंड सिक्स क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज नाइन क्वेश्चन ये हो गए अगेन आफ्टर नाइन You are having these questions from your text also, right? Essential practicals. So, on the basis of this lecture, shortcut method, discrete series, frequency distribution series, all these terms are clear to you. Now, you are able to do the questions of discrete series also, as well as questions of frequency distribution also. That completes your chapter as well as your T2 syllabus. Thank you. Have a nice day.